मुंबई के दहिसर पश्चिम में भी एक सीएसटी जैसा हादसा होने की तैयारी में है। दहिसर पश्चिम में स्टेशन के पास बने फुटओवर ब्रिज 2011 में 15 करोड़ की लागत से बनाया गया था। मात्र 8 सालों में ही ब्रिज की हालत खस्ता हो गई है। 2016 में दहिसर पूर्व पश्चिम के ब्रिज की रिपेयरिंग और ब्यूटिफिकेशन के लिए टेंडर भी निकाला गया। 6 महीने बाद ही फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरा, जिसमें एक बुजुर्ग और एक रिक्शा चालक घायल हो गए। 2018 के बीएमसी रिपोर्ट के अनुसार ये हैवी डैमेज है, जिसको तुरंत रिपेयर किया जाना चाहिए। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी बीएमसी के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शायद बीएमसी के अधिकारी सीएसटी जैसे एक और हादसे का इंतजार कर रहे हैं। ये जो फुटओवर ब्रिज दहिसर का जो है, 2011 में एमएमआरडीए ने 15 करोड़ के लागत से इस दहिसर के स्काईवॉक को बनाया। बनाने के बाद में 2015 में इन्होंने ये स्काईवॉक मेंटेनेंस के लिए बीएमसी के ब्रिज डिपार्टमेंट को दे दिया। बीएमसी के ब्रिज डिपार्टमेंट ने 2016 में इसका टेंडर निकलवाया और दहिसर ईस्ट और वेस्ट का दोनों ब्रिज 88 लाख रुपीज़ में और 27 लाख रुपीज़ में एक एपीआई करके कॉन्ट्रैक्टर है उनको दिया। वो जब इनका काम जून 2016 में इनका ब्रिज का काम ख़त्म हुआ, जिसमें रिपेयरिंग भी था और ब्यूटिफिकेशन भी था, ये काम ख़त्म होने के बाद सिर्फ 6 महीने में जनवरी 2017 में यहाँ का जो ब्रिज का ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो स्लैब है, ये स्लैब बुरी तरह से नीचे गिर गया। ये स्लैब नीचे आने से ये यहाँ पे सीनियर सिटीजन थे और रिक्शा वाले भाई थे, वो भी यहाँ पे ज़ख्मी हो गए, जिन्हें शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। 2017 के बाद हमने बीएमसी में बहुत सारा करस्पॉन्डेंस मैंने खुद ने दिया कि ये जो रिपेयरिंग करने का काम है, इसको आप जल्द से जल्द करवाइए, नहीं तो दहिसर की जनता को कभी भी इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। 2018 फरवरी 21 तारीख को मैं खुद आमरण उपोषण पे बीएमसी डिपार्टमेंट के सामने बैठा। बैठने के बाद में यहाँ की जो वार्ड ऑफिसर संध्या जी है, उन्होंने कहा कि हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है। तब मैंने कहा कि अरे ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास तो लेटर है लिखित, जिसमें ये बीएमसी के ब्रिज डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि यहाँ का रिपेयरिंग का काम उनको दिया गया है। तो उन्होंने ब्रिज डिपार्टमेंट में कोरी जी करके हैं, सीनियर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर है, उनको बुलाया। उन्होंने वहाँ से अपने आदमियों को भेजा। भेजने के बाद में इस ब्रिज का सर्वे हुआ। वो सर्वे फरवरी 2018 में हुआ और मुझे लिखित रूप से लेटर दिया गया कि ये लेटर में लिखा गया है कि ये जो ब्रिज है एकदम हैवीली डैमेज्ड है, इसका रिपेयरिंग जल्द से जल्द कराना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने सीवी कांड करके ऑडिटर है जिसको कंसल्टेंट को अपॉइंट किया और कहा कि 3 से 4 महीने में हम इसका स्ट्रक्चरिंग रिपेयरिंग का काम हम चालू करेंगे। अब ये एक साल हो गया, एक साल होने के बाद भी आज तक यहाँ पे कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ। मेरा पहला सवाल ये है कि कल सीएसटी का हादसा हुआ, क्या हम सीएसटी के बाद दहिसर की जनता भी ये हादसा का इंतज़ार कर रही है? यहाँ पे बीजेपी की एमएलए है मनीषा चौधरी, यहाँ की नगर सेविका शिवसेना से है शीतल मात्रे, इन्हें मालूम है कि यहाँ पे क्या मुद्दा है, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया है। दूसरा सवाल ये बनता है कि यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था, यहाँ काम करने के 6 महीने बाद ही ये ब्रिज जब गिर जाता है, यहाँ का स्लैब गिर जाता है, तो क्या उसे दोषी करार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये दो सवाल है। इस सवाल का जवाब अभी भी उठ रहा है। अंधेरी जैसा हादसा हो गया, एल्फिस्टन जैसा हादसा हुआ, उसके बाद में लोअर परेल हादसा हुआ, कल सीएसटी में हादसा हुआ, क्या दहिसर की जनता एक और हादसे का इंतजार कर रही है? हमें ये जानने की ज़रूरत है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से।